स्मार्ट सिटी अभियान के तहत नगर निगम की पानी की टंकी पर पुताई करता मजदूर बंदरों के कारण गिरा नीचे, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी अभियान के तहत नगर निगम की पानी की टंकी पर पुताई करता मजदूर बंदरों के कारण नीचे गिर गया, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मजदूर की हालत गंभीर है। पूरे देश की स्मार्ट सिटी को बेहतर करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था, बेहतर रोड सुरक्षा, सबका ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन आज मुरादाबाद का टाउन हॉल स्थित नगर निगम के ओवरहेड टैंक पर रंगाई पुताई चल रही थी, जिसको पेंट करते वक्त मजदूर के पास बंदरों ने हमला बोल दिया और वह 100 फीट नीचे ओवरहेड टैंक से नीचे गिर पड़ा। ये ओवरहेड टैंक ठीक नगर निगम कार्यालय के सामने है। फिलहाल घायल मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मजदूर को बिना किसी सेफ्टी गार्ड के पेंट के लिए बोल दिया गया, जिसके कारण यह हादसा हो गया। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजरुद्दीन। ये जो घायल है, ये कैसे घायल हो गए? ये वाटर टैंक पे काम चल रहा है स्मार्ट सिटी से, वहाँ ये कार्य कर रहे थे, इतने में बंदर आ गया और बंदर ने हमला कर दिया उस पर। लड़के डर के भागा, वो गिर गया लड़का, बता रहा आपने मुझसे खुद ही। ये यहाँ पर काम चल रहा है नाम टोनाल पर। जी जी। तो ये बताइए कितनी ऊंचाई होगी इसकी? 50 फीट के आसपास। तो ये क्या काम कर रहे थे वहाँ? पेंडिंग का काम कर रहे थे, पेंडिंग। अब कहाँ पर लाए आप? अब मैं सिविल लाइन लगाया हूँ। मतलब ये स्मार्ट सिटी के तहत कार्य हो रहा है? जी जी, स्मार्ट सिटी। तो कोई मौके पर अधिकारी पहुँचा नहीं? अभी तो सबको बताया है, अब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे सब। तो हालत कैसी है? लड़का तो ठीक है बोल रहा है, लेकिन टांग फ्रैक्चर है उसको। अभी एक कर्मचारी जो टंकी पर काम कर रहा था वो गिर गया था और उसके काफ़ी चोटें आई हैं, क्या है मामला सर? मैं हमारा स्मार्ट सिटी में शहर में कुछ टंकी है, वहाँ पर ब्यूटी डिवीजन का काम चल रहा है, उसमें से एक टंकी हमारी टाउन हॉल पे बनी हुई है, उसमें दो लोग काम कर रहे थे और अचानक वहाँ पे क्या हुआ कि बंदरों ने हमला कर दिया उनके ऊपर, 3-4 बंदरों ने हमला कर दिया, तो दो बच थे, एक तो बच के निकल गया, एक के ऊपर हमला करने से वो घबरा गया और उसका जो पैर उसमें फिसल गया वहाँ से, मान लो कि बेल्ट बांध रखी थी उसने रेलिंग से, लेकिन फिर भी स्लिप हो गया, टूट गई, गिर गया है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही कि उसके वो ठीक है, हॉस्पिटलाइज किया गया उसको, 1000 के लोग उसको तुरंत ले गए हॉस्पिटल, दिखवा लिया, चेकअप करा लिया, थोड़ा चोटें आई हैं उसकी, लेकिन होश में बात कर रहा है, ठीक ठाक, जल्दी ठीक है। जो स्मार्ट सिटी के तहत वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है? नौ टंकी बना रहे हैं हम लोग। तो सर कोई जब टेंडर दिया जाता है क्या कोई मानक होते हैं कार्य करते हुए? क्या मानक सर? मतलब सेफ्टी के काम की सेफ्टी के में हाँ सेफ्टी के मानक होते हैं कि उनको प्रिकॉशन से कोई चोट टंड लगे और बेल्ट बेल्ट आदि बांध के वो काम करें, उसी प्रकार से सेफ्टी मेजर पूरे अपनाते हुए वो काम कर रहे थे, लेकिन अभी अचानक हमला हुआ तो उसके लिए तो कोई प्रिपेयर होता नहीं है, लेकिन जो है इसका जो दायित्व है पूरा चेकअप कराने का, ठीक कराने का, वो ठेकेदार का होता है और वो करा रहे हैं, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि जिसको चोट लगी है उसको पूरा इलाज ठीक से हो और कोई कमी ना रहे। कितनी ऊंचाई होगी सर लगभग? लगभग 20 मीटर करीब तो होगी, 18-20 मीटर। सर क्या ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है जो इस तरह का काम कर रहे हैं और मजदूरों से काम करा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे रहे हैं? नहीं, सेफ्टी इक्विपमेंट दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब साल साइड पे काम करते हैं तो कभी कभी हादसे हो जाया करते हैं, लेकिन जब है तो ये इंश्योर करना है कि जिसको चोट लगी है उसको प्रॉपर इलाज मिले, पूरा इलाज मिले, और हम लोग इंश्योर भी करेंगे। क्या आगे से इस तरीके का क्या सेफ्टी के कोई मानक रहेंगे? हाँ, मानक तो हम लोग लेते हैं पूरा, जो भी शटरिंग वटरिंग लगा के चलते हैं हम लोग, के शटरिंग लगी रहे, कोई गिरे ना, कुछ ना हो, लेकिन अचानक इस तरह से हमले के लिए तो कोई भी हो सकता है इस तरह के हाथ से।